पिछले कुछ सालों में उत्तर भारत की राज्य सरकारों द्वारा धार्मिक कार्यों में खर्च किया जा रहा पैसा लिबरल मीडिया को रास नहीं आ रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जहां राज्य के सप्लीमेंट्री बजट में अयोध्या की घाघरा नदी के किनारे निर्माण कार्य के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, वहीं दीपावली पर सुरक्षा और बाकी इंतजामों में 6 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। साथ ही भारत की आज़ादी के बाद पहला ऐसा मौका था कि कुंभ के अवसर पर सरकार ने सुरक्षा से लेकर बाकी जरूरी इंतजामों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आखिर कुंभ दुनिया का सबसे बड़ा पर्व है, करोड़ों श्रद्धालु एक स्थल पर एकत्रित होते हैं, साथ ही दुनिया भर के लाखों पर्यटक भी इस अनोखे पर्व में सम्मिलित होने के लिए आते हैं। ऐसे में अगर इन कार्यों में सरकारी खजाने से पैसे खर्च हो भी रहे हैं तो इसमें लिबरल मीडिया को दर्द क्यों हो रहा है? इन्हें केवल योगी सरकार से दिक्कत नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली बुजुर्गों को धार्मिक तीर्थ स्थलों पर घुमाने वाली तीर्थ दर्शन योजना से भी दिक्कत है। ये योजना शिवराज सिंह सरकार के समय शुरू हुई थी, जिसे मौजूदा कमलनाथ सरकार ने फिलहाल तो बंद नहीं करवाया है। लेकिन जब पूर्व में केंद्र सरकार हज सब्सिडी के नाम पे मुस्लिमों को उनके धार्मिक स्थल पर कम खर्चे पर भ्रमण करवाती थी, तब उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों के मुंह से यही सुनने को मिलता है कि मंदिरों पर खर्च करने की क्या जरूरत है, स्कूल और कॉलेजेस पे करना चाहिए, अस्पताल बनवाने चाहिए। तो आज हम आपको बताते हैं कि बाकी देश अपने धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक धरोहरों पर कितने पैसे खर्च करते हैं। सबसे पहले दक्षिणी देशों की ही बात कर लेते हैं। यूरोपियन यूनियन के सभी देश औसतन अपनी GDP का 1.1% हिस्सा धार्मिक कार्यों और उससे जुड़े चीजों पे करते हैं। इसमें हंगरी अपनी GDP का 3.5% हिस्सा इन कामों में लगाता है। वहीं ऑस्ट्रिया और सर्बिया जैसे देश भी अपनी GDP का अच्छा खासा हिस्सा इन कामों में लगाते हैं। वहीं अगर अरबी देशों की बात की जाए तो वहां धर्म से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर वेटिकन सिटी की बात करें तो दुनिया भर के सारे ईसाई देश एक अच्छी खासी रकम ना सिर्फ वेटिकन को देते हैं, बल्कि पूर्व एशियाई देशों में धर्मांतरण के लिए भी देते हैं। हमें ये बात समझनी चाहिए कि अगर सरकार हमारे धार्मिक स्थलों की मरम्मत और निर्माण में पैसे खर्च कर रही है तो वो पर्यटन की नज़र से काफ़ी अच्छी पहल है। आखिर जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो इन्हीं मंदिरों के पैसों को सरकार राहत और बचाव के कार्यों में लगाती है। इस देश में ना जाने कितने मंदिर तोड़ दिए गए जिनका इतिहास में उल्लेख तक नहीं है। पिछले 70 सालों में नए मंदिरों के निर्माण की बात तो छोड़िए, पुरानों को ही नष्ट होने के लिए छोड़ दिया गया था। ऐसे में अगर मौजूदा सरकार चाहती है कि वो हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को टूरिज्म का केंद्र बनाए तो इसमें गलत क्या है?